प्रकाश राज फैमिली एंड बायोग्राफी। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दो। प्रकाश राज तमिल फिल्मों के जाने माने अभिनेता हैं, लेकिन अब वो हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं। प्रकाश राज का जन्म 26 मार्च 1965 में बंगलौर कर्नाटक में हुआ है। इसका रियल नाम प्रकाश राय है। उम्र 59 साल है। इसका धर्म नास्तिक है और कास्ट कनाडा है। प्रकाश राज का ऑक्यूपेशन यानी पेशा है फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर और टेलीविजन प्रेजेंटर है। फैमिली, प्रकाश राज ने 2 शादियां की हैं। इसकी पहली शादी फिल्म अभिनेत्री ललिता कुमारी से 1994 में किया, लेकिन 2009 में इसका डिवोर्स हो गया। फिर दूसरी शादी 2010 में पोनी वर्मा से किया। चिल्ड्रन, प्रकाश राज के 4 बच्चे हैं, 2 बेटी और 2 बेटे हैं। फर्स्ट डॉटर मिजना राय, सेकंड डॉटर पूजा राय है। फर्स्ट बेटे का नाम सिद्धू राय और सेकंड बेटे का नाम वेदांत राय है। लेकिन पहले बेटे सिद्धू राय की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जब वो 5 साल का था। बेस्ट फ्रेंड गैरी लंकेश थी, जो पत्रकार थी। प्रकाश राज के पास 360 मिलियन की संपत्ति है। प्रकाश राज का हाउस 10 मिलियन का है। प्रकाश लग्जरी गाड़ियों के शौकीन है। उनके पास 17 लाख रुपए की टोयोटा इनोवा कार है, 45 लाख की बीएमडब्ल्यू 520D है। प्रकाश राज अब तक 398 फिल्मों में काम कर चुकी है। और अवार्ड्स की बात करें तो उसे 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 8 नंदी पुरस्कार, 8 तमिल नाडु राज्य फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण, 4 सीमा पुरस्कार, 3 सिनेमा पुरस्कार और 3 विजय पुरस्कार जीते हैं। इसकी पहली फिल्म हिटलर है, जो 1998 में आई। इसको फर्स्ट अवार्ड फिल्म कांचीवरम 2008 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में दिया गया। प्रकाश राज की 2024 में आने वाली फिल्में देवारा, पुष्पा 2, कंगुवा और विदुतलाई पार्ट 2। प्रकाश राज ज्यादातर फिल्मों में विलेन का ही किरदार करते हैं। वो एक फिल्म के लिए 2.50 करोड़ यानी 2.5 करोड़ फीस चार्ज करते हैं। इसका फेमस फिल्में हैं इंद्रप्रस्थम, बंधनम, वीआईपी, नंदिनी, शांति शांति शांति, वन्नावली, आजाद, गीता, ऋषि, दोस्त, सिंगम, वांटेड, बूढ़ा होगा तेरा बाप, हीरोपंती एंटरटेनमेंट, मुरारी, इंदिरा, इडियट, शक्ति द पावर, फूल्स, गंगोत्री, स्मार्ट द चैलेंज, पोकरी, राणा, लायन, रुद्रमा देवी। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबाएं। धन्यवाद।